अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल सच की आवाज़। उनको राजेंद्र नगर डेयरी फार्म पीले नंबर 230 के पास वाक़े हुसैनी मस्जिद में स्कूली तातीलात और मौसम गर्मा को देखते हुए दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को अच्छा पढ़ने पर दीनी मदरसा मकतब कैंप बस्ती के नौजवानों की तरफ से रखा गया और अवार्ड से नवाजा गया, जहां इस मौके पर मस्जिद के कमेटी अरकान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। इसी तरह की मजीद खबरों से जुड़े रहने मुबारकबाद देता हूँ और इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे जब आईएएस के वहाँ से ट्रेनिंग के वास्ते इंटरव्यू लेने के बैठते तो उसमें एक सीनियर के भी रहते इंटरव्यू के वास्ते, तो एक मतलब मैं ये सवाल करा आईएएस एकेडमी में पढ़ने के लिए आया बच्चा हो और सही बच्चा मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा में, ठीक है, मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा में बाज़ाब्ता मकतब एक एहतमाम के साथ चलेगा असर से लेके कब्र तक, ठीक है। अब मैं इन दोनों के जरिए से इनाम अव्वल खुश नसीब तालिबे इल्म मोहम्मद अफ़्फ़ार इब्ने इमरान खान वो आए और पहली माशाल्लाह माशाल्लाह इस बच्चे ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। इसी तरीके मोहम्मद मुश्ताक बिन हसीब बिन अब्दुल वहीद वो आए अपना इनाम, अरे मोहम्मद सुफियान बिन इरफान, मोहम्मद रैहान, शेख हसीब रहमान, उमेर खान, रुमाना अलमा, इधर देखो आयशा तबसुम, इधर देखो बिंत रिजवान, महरीन फातिमा, महरीन फातिमा, आमिना, शिफा, माशाल्लाह मैं आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे खास जो मेहमान हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त हमें दिया और आखिर तक हमारा साथ रहा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें यही मंजर आखिर तक बाकी रखे और हमारे बच्चों में दीन का शुऊर पैदा हो और दीनी तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा हो, आमीन सुम्मा आमीन। और हम अपने नौजवान कमेटी की भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
जान और माल की बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह उन सब का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।